सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज सर्जन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो एंड अच्छे ही रहना। ऑलराइट गाइस, काफ़ी दिनों बाद हम मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यार काफ़ी मिस कर रहे हो आप लोगों को। एंड रीज़न हमने ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई क्या सीन चल रहा है हमारे साथ एंड लाइक हम क्या करने जा रहे हैं, तो किस चीज़ का प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहा है एंड लाइक क्या मतलब हो रहा है ना, एक अंदर से जो आवाज़ मतलब जो निकल के सामने आ रहा है कि भाई जाओ तुम अभी जी लो अपनी ज़िंदगी कहकर, तो उस चीज़ को लेकर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो उसके चलते व्लॉग यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आज से लिटरली मतलब अपने राइड के तौर पर काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज हम इस मशीन का मतलब पहले जो रियर टायर में लिक्विड भराएंगे, ताकि सामने वाला जो टायर है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि इस राइड को लेकर हम काफ़ी सीरियस है। हमें मतलब क्या बोलते हैं उसे, शिकायत का मौका ना मिले इन दौरान राइड के दौरान, तो उसके चलते पहले अपनी गाड़ी सही हो, उसके बाद तो हम तो है ही है, अपना मतलब मशीन मतलब सही होना मांगता है, तब ना हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जो हमने अभी सेट करके रखा है। तो ऑलराइट, राइड कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब 90% तो कंफर्म हो चुका है। जो फाइनेंशियली में वीक था उसको भी हमने कवरअप कर दिया है इधर उधर से, लगे मतलब थैंक्स यार कि भाई अपना PF भी था, तो PF के चलते हम इस राइड को आगे बढ़ा पा रहे हैं। अनलाइक गाइस, यहाँ का मौसम देखिए, सामने देखिए बारिश, मतलब वो बारिश के बूंदे यहाँ पे भी मतलब महसूस हो रहा है मुझे, ठीक है, तो वो बस कुछ ही देर में हमें भी लपक लेगा। एंड इस तरफ भी कुछ ऐसा ही है, मतलब चारों तरफ ही सिर्फ मतलब बादल, घना काला कुछ भी बोलो मगर बारिश पक्का है दिन भर। तब ये तो फिर मुझे रेनकोट पहनना पड़ेगा फिर से उधर कर देना का यहाँ, क्योंकि और रौनक यहाँ पे फील होता है, क्योंकि मंजिल के चलते डेली रोज़ाना यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो जो हरियाली है वो हमें उभर के मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अगर यहाँ पे अगर मौसम क्लियर होता है, जो ब्लू स्काई होता है, लाइक हल्का सनी होता ना, तो मतलब कहते जहर है मतलब ये लोकेशन। अभी सच्ची में ये कर्शिंग पॉसिबल, पहले ये धोबी खोला है ना, यहाँ पे क्या सीन रहता है इस काम के चलते, पता नहीं क्यों काम रुक रुक के यहाँ पे हो रहा है। पिछले 3 महीने से ये इधर ही पड़ा हुआ है इधर ही, एंड यहाँ पे काफ़ी मतलब दिक्कतें कर दे रहा है गाड़ी को मतलब पास होना। अगर यहाँ पे एक कोई बड़ा गाड़ी आ गया ना, तो फिर यहाँ पे आधा घंटा एक घंटे का जाम तो लगने वाला है, एंड ऊपर से काफ़ी डेंजरस बन जाता है, क्योंकि साइड में टॉय ट्रेन का ट्रैक एंड उसके ऊपर से मतलब गाड़ी को भगाना पड़ता है हमें, नहीं बड़े बड़े गाड़ी लोग को एंड लाइक कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, एंड अगर कोई बाहर से गाड़ी आया एंड लाइक एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वाट लगने वाला है। तो ऐसे कुछ चीज चल रहा है पिछले 2-4 महीनों से, एंड पता नहीं यार कब बनेगा यहाँ पे। मैं कहता हूँ ना, मतलब यहाँ पे अगर एक बार रास्ता का काम शुरू हुआ ना, तो लिटरली उसके कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लग ही जाता है, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, ठीक है। ऐसा सीन है हमारा हमारा इस देश का, इस देश का नहीं इस इलाके का, इस इलाके का नहीं इस डिस्ट्रिक्ट का, इसकी जो टॉय ट्रेन का यहाँ पे ट्रैक है ना, ट्रैक तो चलो बढ़िया है होने में सही है, मगर हालत देखो इस बीच मतलब जो बारिश के चलते, ओह माय गॉड देख रहे हो, मतलब अगर यहाँ पे बारिश होगा ना, तो फिर यहाँ पे नदी बहेगा, ये रोड नहीं रहेगा, ये नदी रहेगा। एंड ऊपर से जो ये ट्रैक है मतलब काफ़ी टू व्हीलर यहाँ पे मतलब स्किड हो चुके हैं, हमने तो आँखों से भी देखा है, बस कैमरे में नहीं आया है। एंड कुछ ऐसा ही सीन अब हमारा देश का भी नहीं फिर से नहीं दोहराऊंगा, मतलब मुझे बार बार नहीं बोलना है मतलब। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुँचे अपोलो टायर्स में का दुकान, एंड लाइक हम यूजली यहीं पे अपना टायर वगैरह चेंज करते, जो कि हमने जो रियर टायर भी हमने चेंज किया था वो भी इसी दुकान से था। एंड ये बस सामने ही हाईवे यहाँ पे, एंड पता नहीं गाइस मतलब मेरा कैमरा ना मतलब अच्छा मतलब। सो गाइस फाइनली अभी टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है अपना रियर टायर के अंदर लिक्विड डालने का एंड लाइक फ्रंट टायर को चेंज करने का। तो दिस इज़ अपोलो टायर, एंड यूजली हम यहीं पे काम करते हैं अपने टायर का। वैसे तो रियर टायर भी हमने जब चेंज किया था वो हमने इसी दुकान से किया था, तो वहाँ पे हमें शुभम भाई का काम चल रहा है, पहले शुभम भाई का काम करने थे एंड उसके बाद हम अपना काम कराएंगे। तो दिस इज़ द टायर दुकान जो कि सबसे बगल में हाईवे के पास में हाईवे। तो इनमें से कौन सा होगा, ये तो रियर टायर लग रहा है मुझे, ये तो नहीं गाइस, मतलब इसका हालत इतना ख़राब हो चुका है ना कि देखो ना, मतलब सारे के सारे जो ग्रिप है वो उड़ गए हैं। तो वैसे तो अगर मैं राइड में नहीं जाता तब भी हम ये इसको चेंज करवाने वाले थे, तो चलो अभी सब कुछ एक साथ में
अपडेट करेंगे इस मशीन को, एंड उसके बाद फिर होगा धमाका। धमाका क्या होगा वो हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। तो या गाइस, ये काफ़ी करीब में यह टायर दुकान, जैसे कि दिस इज द हाईवे एज यू कैन सी, एंड दो भी खुला हुआ है वहाँ पे, तो उसी बीच या हेयर इज़ द अपोलो टायर जो भैया के। एंड चलो अभी पहले अपना काम कर लेते हैं ना। शायद मुझे रियर टायर को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि रियर टायर में अभी ग्रिप है, अच्छा खासा ग्रिप है, तो रियर टायर को हम नहीं बदलेंगे इस बार। देखते हैं, पहले दौड़ा के आते हैं, उसके बाद आगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। लाइक लिक्विड हमें इसमें डालना है क्योंकि ऑन द गो मुझे रिस्क नहीं लेना है उन हाईवेज पर, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो हम एक्स्ट्रा कभी इक्विपमेंट कैरी करके तो ले जाएंगे, मगर फिर भी रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो चलो टायर हमने यहाँ पे लगवा दिया है। ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा टायर जो लगा है यहाँ पे, अगर ऐसा लगता है ना तो फिर कमाल होना था, मगर ये एक्चुअली है नहीं, सपोर्टिंग के सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ लगा रखा है। तो अपना टायर का काम तो चल रहा है यहाँ पे। अभी इसको निकालेंगे, इसको छालेंगे। So guys, here is the product, this is टायर सीलिंग। तो अभी हम ये लगवाएंगे अपने टायर के अंदर, मतलब सेफ्टी के लिए। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा इसके साथ, मतलब विद द टायर, तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर कुछ भी अगर कील वगैरह घुसता है तो फिर तो लीकेज होने का काफ़ी मतलब कम चांसेस रहता है, तो सेफ्टी के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो लेट्स मतलब बेस्ट कि सब सही जाए, लाइक सब सही हो। सो देखते हैं क्या क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मसाला है, मसाला है। ये देखिए, तो अभी हमने ये डाला यहाँ पे, ये देखिए रबर का टुकड़ा है। हाँ, रबर का टुकड़ा है। अच्छा, तो चलो गाइस, फ्रंट टायर यहाँ पे पुराने वाला, और अभी बाजार होके आते हैं। बाज़ार इसलिए होना है क्योंकि मुझे रेनकोट देखना है। एक्चुअली हमने रेनकोट तो यहाँ तो देखे थे, मगर जो नियॉन कलर में मुझे चाहिए था वो यहाँ पे हमें नहीं मिला। तो देखते आगे की ओर, बाज़ार में अगर मिलता है तो फिर हम वहीं से लेंगे, नहीं तो ओहो आराम से आराम से। और यहाँ पे हमें नियॉन कलर वाला रेनकोट मिला तो लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर बैक टू यहाँ पे, अनलाइक जो अभी हमने देखे थे वही लेंगे। पुलिस पुलिस के बच के रहना, बच के इसलिए रहना क्योंकि मार्क्स इज मैंडेटरी। अब अच्छा लग रहा है गाड़ी को भगाने को, मतलब एक लेवल में, क्योंकि मेरा जो रियर टायर था वो भी मतलब लीक हो रहा था, तो अब सही लग रहा है मुझे। एंड आगे का तो है, ओह हम थोड़ा देर में बैठ के बातें करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, इन सब के बारे में। तो पहले देखते एक दो दुकानें में कि भाई, पहले देखते एक दो दुकान में रेनकोट, हमने रेनकोट जो हमें लेना है, एंड जैसा सोचा था, अगर जैसा सोचा है अगर उस टाइप का ही मिला तो फिर बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे क्या करें, मतलब इन देखे ना ये जनाब, ओ माय गॉड, मतलब कुछ भी यार, मतलब आप कहीं पे भी घुसा लो, क्या जैसे भी कर लो, कुछ नहीं होता है। यही चीज़ तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार।
मगर इन सब का भी गलती नहीं है, ये रोड का गलती है, मतलब ट्रैक का भी गलती नहीं है। ये तो सुंदरता बढ़ाता है हमारा दार्जिलिंग का, मगर फिर भी मानसून में अक्सर हमें ना ये सब फेस करना पड़ता है। अब क्या करें, फेस तो करना पड़ेगा। अगर आप दार्जिलिंग आओगे ना, ओ माय गॉड, एक्सपी इज हियर। फाइनली गाइस, वंस अगेन आफ्टर सो मेनी मंथ, बहुत दिनों के बाद हम आपको दिखा रहे हैं अपना प्यारा सा एक खूबसूरत टाउन, जिसे कहते हैं के टाउन, यानी कि कर्शियंग टाउन। एंड अभी हमें यहाँ पे गाड़ी को रखना पड़ेगा, यहाँ पे जिधर चाहे उधर गाड़ी नहीं रखने का, नहीं तो चलान काटने का। तो देखे बैरिकेड लगा गया एकदम, रखा ना गाड़ी। पहले तो यहाँ पे बाइक रखने के लिए देता था, अभी तो देखे सारे के सारा मतलब बैरिकेड लगा दिया है। ये सारे के सारे जगह में मतलब बाइक पार्किंग होता था। देखे यहाँ पे चलान लेके चल रहा है, हो अब ऊपर ही रखना पड़ेगा हमें। चलो बाइकर्स, अब आते हो तो सॉरी, हाँ आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं, पता नहीं कितना दिन के लिए ये, मगर अभी के लिए नहीं है, हमें भी ऊपर होना पड़ रहा है। तो देखते सामने की ओर, वहाँ पे तो अक्सर होता है, वो देखते वहाँ पे भी अगर ऐसी बैरिकेड लगा दिया ना, तो फिर वाट लगने वाला है अपना। सब लगा सब क्या वो बैरिकेड दे दो, चालान काट दे रहे थे। अब ऊ यहाँ क्या पनि लगाइदिएको छ कि, मौसम देखो भाई, मतलब लिटरली बारिश तो हो रहा है, हल्का सा बूंदे तो गिर रहा है, मगर हम भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं बारिश को, रेनकोट ना पहन के। तो लेट्स सी, अब थोड़ा सामने हो या वहाँ पे तो जगह है रखने के लिए, मगर खाली है कि नहीं वो मैटर करता है। फिर अगर वहाँ पे भी पैक रहा तो बहुत मुश्किल। या देयर इज, चलो यहाँ पे रख देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे रेनकोट भी लेना हुआ, इस राइड को चलते हैं। जो कलर मुझे चाहिए था नियोन में, वो यहाँ पे मिल चुका है। इट्स ओनली 500 रुपीज़, मैं 50 रुपीज़ यहाँ पे कहने जा रहा था, इट्स 500। तो बारिश अच्छा खासा हो रहा है, वो थंडरिंग सुन रहे हो आप, थंडरिंग, ओह माय गॉड, अच्छा खासा यहाँ पे बारिश मिलने वाला है हमें, यहाँ तक मुझे लग रहा है। अनि भयो ट्रेकहरू पर्दैन, रेनकोट चाहिँ चाहिएको थियो हो, हजुर हुन्छ हुन्छ। वैसे तो वहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, एंड मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा, तो क्या बोलते हो गाइस, मतलब जो काम हमें करना चाहिए था अपने मशीन को लेकर, वो हमने कर दिया है। अहम हिस्सा कि इसका पहियों के कि इसका पहियों को ना मुझे अप टू डेट कराना था, जैसे कि ये जो फ्रंट टायर है वो हमने चेंज कर दिया है, लाइक अभी नया ब्रांड न्यू यहाँ पे लग चुका है, तो दौड़ेगा ये। पीछे का जो रियर टायर है, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया रियर टायर को, बस यहाँ पे हमने हल्का सा काम किया लिक्विड लगा के, क्योंकि ऑन द गो अक्सर अगर कील भी घुस जाता है तो मतलब लीक होने का बहुत कम चांसेस रहता है। तो वैसे तो हम पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं विद अ पंचर किट, अ पंप, हैंड पंप, काफ़ी सारे तो चाहिए ना, मतलब इतना अच्छा खासा लॉन्ग मतलब राइड होने को है। तो फिर भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो जितना हो सके मेरे तरफ से हम उतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाएंगे। तो आप मेरे बातों पर ध्यान तो दे रहे हो ना गाइस, क्योंकि यहाँ का मौसम आपको खींच ले रहा है, मुझे पता है आपको आंखों को खींच ले रहा है, यहाँ का जो ब्यूटीनेस है बहुत ही कमाल का है। तो यार आज हमने दो ही काम किया, एंड उसके चलते फिर हमने एक नया रेनकोट हमें ज़रूरी था वो ले लिया, क्योंकि पुराना वाला तो है मेरे पास, मगर वो भी ले जाऊँगा स्पेयर के चलते, एंड नया ये भी हमें चाहिए, एंड जो जिस कलर में मुझे चाहिए था वो कलर में भी हमें मिला, इट्स न्यू इन कलर। एंड बस पानी नहीं जाना चाहिए, मतलब आप समझते हो ना, हर एक बाइकर का मतलब वही प्रॉब्लम रहता है, रेनकोट अच्छा होना चाहिए, लाइक पानी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ग्रीनरी, यहाँ पे मतलब फॉग, एंड लाइक इस तरह पे भी फॉग जो हट रहा है अभी धीरे धीरे, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एंड लाइक ये मतलब संकेत है कि भाई बारिश होना पक्का है, क्योंकि अभी तक हो ही रहा था, हम लेट यहाँ पे हुए क्योंकि अपना काम तो ऑलरेडी मतलब 5 बजे को ख़त्म हो चुका था, लगभग 4:30-5 बजे को, अब
अभी बज रहा है 6:15 इन द इवनिंग, मतलब हम मतलब कोचिंग में काफ़ी देर तक रुके, चाय पीने गया, लाइक उसके साथों साथ बारिश इतना खतरनाक वाला मौसम, तो आपको वहीं पर अटका दिया। एक बार फिर से देख लो इन नज़ारे को, मतलब ये बार बार मतलब अपना रंग बदलता हुआ, काफ़ी ग्रीनरी, मतलब कभी ग्रीनरी कभी देखो सफ़ेद, मतलब फॉग, ओह माय गॉड, कुछ भी बोलो, चिल वाइब्स। हिंट दे देता हूँ आपको कि भाई मतलब हम कहाँ इस बार होने वाले हैं, पकड़ लो, हमने टायर मोटा मोटी चेंज कर दिया है, तो गेस कर लो, क्योंकि ऑन द गो लॉन्ग राइड के चलते ना आपका गाड़ी का पहिया सही होना मांगता है, तो सोचो हमने मतलब टायर भी बदल दिया है, लाइक लिक्विड भी लगा लिया जो कि अभी तक हमने नहीं किया था, तो गेस करो एंड लाइक कमेंट डाउन कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ हाँ ज़रूर कमेंट करना कि भाई इस बार हम कौन सा स्टेट को जा रहे हैं बोल के, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी किया था, लाइक यूट्यूब पे भी हमने किया है कि भाई गेस करो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा मतलब प्लेस इस बार होने को है, तो हिंट हमने ये दिया कि भाई गाड़ी का पहिया हमने चेंज कर दिया, लाइक पहली बार हम रियर टायर में लिक्विड लगा के एंड लाइक हैंड पंप सर्किट वगैरह सब लेकर जा रहे हैं इस बार का ट्रिप में, तो पहला हिंट यही है, समझ में आया तो कमेंट करके बता देना कि भाई कौन सा स्टेट हो या कौन सा प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं इस बार। सो विद दिस इट गाइस, मैं स्वीट एंड सिंपल सा वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।